हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मेजरमेंट, जो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे का पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे में कई लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग वह वीडियो ना देखे हों तो ज़रूर देख लें। और हाँ, ये जो है यहाँ ये जो वीडियो है इसका PDF जो है आपको द एग्जामिनर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट, रैखिक मापन क्या होते हैं। देखिए, जब हम लोग सर्वे कर रहे होते हैं वहाँ पर हम लोगों को अधिक मात्रा में जो दूरियाँ मापनी होती हैं वो हमको कैसे रैखिक मापन ही करना होता है। और ये रैखिक मापन वहाँ पर यूज होने वाले ऑपरेटर्स के आधार पर हम लोग 3 कैटेगराइज में इसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट है, दूसरा क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थर्ड नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले में हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट इसलिए करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 स्टेशन या 2 से अधिक स्टेशन होते हैं, वहां पर बाय चैन और बाय टेप, चैन के माध्यम से या टेप के माध्यम से अगर वहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों को पहुंच जाते हैं, तो जो मेजरमेंट किया जाता है वह मेजरमेंट हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। और जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते या जाना नहीं चाहते हैं तो वहां पर जो हम लोग करेंगे, वहां पर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में एक्यूरेसी देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑपरेटर जो होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कैसे कैसे यूज होता है इनका, और कौन सरल है और कौन सा कठिन है, और कौन मोस्ट एक्यूरेट है और कौन एक्यूरेट नहीं है। तो आइए देखिए, यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट और एक एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमें अप्रोक्सीमेट अगर मेजरमेंट करना होता है, जैसे आप लोगों से जब कोई इंजीनियर सर्वे करने जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो सर्वे कर रहा होता है वह कम महत्वपूर्ण कार्य का होता है, अर्थात वह कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है कि उसको सलाह दी जाती है कि यह सर्वे जल्दी से समाप्त कर दिया जाए। तो वहां पर देखिए क्या क्या यूज किया जा सकता है उस सर्वे को करते समय। वहां पर हम लोग कर सकते हैं कि जो सर्वे करेंगे वो पेसिंग मेथड से कर सकते हैं। पेसिंग मेथड क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, पेसिंग मेथड कदम गिनकर बाय स्टेपिंग मेथड होता है, इसे कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 स्टेशन ए स्टेशन है और दूसरा स्टेशन हमारे पास बी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सर्वेक्षक होगा, जो सर्वे कर रहा होगा, वो अपने स्टेप से क्या करेगा, कदम यहां से स्टार्ट करेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और यहां पर पहुंच जाएगा। तो जितने स्टेप ये जाएगा वो क्या करता जाएगा, काउंट करता जाएगा, और एक स्टेप में जितना दूरी कवर कर रहा होगा उस दूरी से गुणा कर देगा, तो टोटल ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर कदम की संख्या गुणे एक कदम की लंबाई। अब बात ये आती है कि कदम की संख्या हम लोग तो चल कर ज्ञात कर लेंगे, एक कदम की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, या इसी को औसत कदम की लंबाई कहा जाता है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर क्या करेंगे कि पॉइंट ए करेंगे, उसके बाद स्टेप करते करते हम लोग कितनी बार, 20 कदम हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं यह पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां पर ए से बी तक की दूरी जो टेप या चैन के माध्यम से माप लेंगे,
और जो ये दूरी मान लेते हैं अगर 20 आई होगी, मान लो चलने पर कितना आया 100 मीटर आया, तो इसे हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करें, चूंकि हमने कितने स्टेप चले हैं 20 स्टेप चले हैं, तो 20 पंजे 100, मतलब एक अगर मोटा आंकड़ा लिया जाए तो 5 मीटर एक कदम की लंबाई कितना हो रही है 5 मीटर, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम तो एक एवरेज माने आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर कितने एक बार जब कदम चलेगा तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, अगर लंबाई और कम कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 50 होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ पॉइंट में आएगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एक कदम की लंबाई निकालेंगे और जितने कदम हो चला होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमको स्पेसिंग मेथड समझ में आया। अब देखिए पासोमीटर क्या होते हैं और पेडोमीटर क्या होते हैं, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सेम ही हैं। ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पेसिंग में जब पढ़ रहे थे, तो पेसिंग वाले केस में हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर क्या व्यक्ति चल रहा था और अपने स्टेप को खुद क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, पासोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, और पाइडोमीटर भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। जो आप दोनों इंस्ट्रूमेंट आप इमेज में देख रहे हैं सेम ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट हैं। इन्हें क्या किया जाता है, जब हम लोग कदम आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस समय अपने पॉकेट में या पैर में इसे बांध लेते हैं, जिससे हम लोग जब कदम रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है, अर्थात हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे एरर नहीं होता है। ओके, तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि पासोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्षैतिज, मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलते हैं तो वहां पर काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और पेडोमीटर को भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रहे होते हैं तो वहां पर भी काउंट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब वर्टिकल प्लेन पर हमें कोई अगर चल रहे होते हैं तो वहां पर काउंट करना हो तो वहां पर सिर्फ पेडोमीटर का यूज कर सकते हैं, पासोमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यूज दोनों का सेम ही है, बस क्या होता है कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल में यूज होता है और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में यूज होता है। ठीक है, जब हम लोग वर्टिकल कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर हमको कदम गिनना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पासोमीटर का, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे चल रहे होंगे तो पेडोमीटर का, और यहाँ पर अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल चल रहे होते हैं तो किसका, पासोमीटर का यूज करना होता है। ठीक है, और जैसा कि इमेज आप देख चुके हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे लगाया जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर भी सेम ही कहानी है। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, दोनों का संबंध क्या होता है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, ये दोनों जो होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये सर्कुलर व्हील से क्या हो जाते हैं, अटैच होते हैं। अब क्या करता है, ये सर्कुलर व्हील क्या करता है, रोटेट करता है, तो रोटेट जब करेगा, ध्यान देना यहां पर, ये सर्कुलर व्हील का ये है, इसका रेडियस अगर हम लोग मान लें आर है, तो वन राउंड में कितनी दूरी कवर करेगा, 2πr के बराबर करेगा, वन राउंड में कितना कवर करेगा, 2πr के बराबर करेगा। और इसी प्रकार से ये क्या करता है कि यहां पर हमको दूरी कवर करके हमको दे देता है, कौन, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। जैसा कि स्पीडोमीटर आप लोग देखते हैं कि बाइक में और विभिन्न प्रकार के वाहन में लगे होते हैं, जिससे हमको डायरेक्टली दूरी पता चल जाती है, और यहाँ पर ओडोमीटर एक प्रकार का अलग से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसे हम किसी पथ पर चलाकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पेसिंग, पासोमीटर, पेडोमीटर और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर से यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आर एस कुर्मी और आर अघोर की किताब में यहाँ से क्वेश्चन दिए भी गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पेरेम्बुलेटर।
परम्बुलेटर कुछ नहीं है, सेम यही पेसिंग की कहानी है। जैसे पेसिंग में हम लोग नंबर कदम को क्या करते थे, काउंट करते थे, और यहाँ पर पासोमीटर और पेडोमीटर में क्या होता था, ऑटोमेटिक काउंट होता था। तो सेम परम्बुलेटर क्या होता है कि पासोमीटर और पेडोमीटर में हम लोग किसी एक डायरेक्शन में जाते थे तो वहां पर मूव होता, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब जाते थे तो वहां पर काउंट होते थे कि कितने कदम आप चले हैं। लेकिन ये परम्बुलेटर क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग काउंट करके आप बताएगा। एक ही समय में आप अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं और अलग अलग काउंट नंबर आपको मिलेंगे कि इस डायरेक्शन में इतने कदम चले हैं, इस डायरेक्शन में आप इतने कदम चले हैं, इस डायरेक्शन में आप इतने कदम चले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पेसिंग, पासोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर और परम्बुलेटर क्या होते हैं। एक बात और, इन सब के द्वारा जो भी दूरियां मेजर की जाती हैं वो अप्रोक्सीमेट होती हैं, लगभग होती हैं, एग्जैक्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। मतलब एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि यह जो है, मान लो पासोमीटर या पेडोमीटर जो भी यूज हो रहा है वो कोई यंत्र नहीं है, सिर्फ कदम गिन रहा है। व्यक्ति का कदम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एक एवरेज लेते हैं तो कोई व्यक्ति कम है ज्यादा है तो वहां पर हम किसी भी, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके कदम की लंबाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन भारत में एक वयस्क के जो कदम की लंबाई मानी जाती है वो क्या होता है कि 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक वयस्क के कदमों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन 70 से 80 के बीच वाला लगाना है। ओके, तो आई होप आपको इस पॉइंट में क्लियर हो गया होगा इधर सारा कितना मैटर है। आइए हम लोग जब एक्यूरेट मेजर करेंगे तो क्या आएगा। एक्यूरेट मेजर में हम लोग दो मेजर कर सकते हैं, बाय चैन के द्वारा, बाय टेप, मतलब चैन के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं और टेप के द्वारा मेजर कर सकते हैं। अब देखिए चैन कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग मेट्रिक चैन जानते हैं, गंटर चैन जानते हैं, रेवेन्यू चैन जानते हैं और इंजीनियरिंग चैन जानते हैं। अब इनके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे चैन। ठीक है, तो आज के डेट में सिर्फ हम लोग यही जानते हैं कि चैन के द्वारा हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, चैन के द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। और चैन कितने प्रकार के होते हैं, तो मेट्रिक चैन होती है, गंटर चैन होती है और रेवेन्यू चैन होती है, और कौन सी चैन होती है, इंजीनियरिंग चैन होती है। और टेप के द्वारा चेन से भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है। और टेप कितने प्रकार के होते हैं, लीनन टेप, मतलब कपड़े का बनाया हुआ टेप होता है जिस पर वार्निश कर दी जाती है, और उससे अच्छा टेप होता है मेटेलिक टेप, और उससे अच्छा होता है स्टील का टेप, और उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है इनवार टेप। तो सबसे अच्छा टेप जो माना जाता है वो इनवार टेप होता है। इसके द्वारा, इनवार टेप के द्वारा बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू आती है, और ये जब बहुत ज्यादा एक्यूरेट कार्य करना होता है, बहुत ज्यादा अच्छा सर्वे करना होता है, तो वहां पर हम लोग इनवार टेप का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर इसके हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इनवार टेप के बारे में, एक टेप के बारे में भी जब हम लोग चैन सर्वे पढ़ेंगे उसी के आगे अगले लेक्चर में हम लोग इस टेप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वहां पर लेक्चर को आप सीरियल बाय देखते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपका सारा का सारा क्या हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए। आइए, हम लोग बात कर चुके हैं डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, अप्रॉक्सीमेट और एक्यूरेट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे टैकियोमेट्रिक सर्वे के बारे में। टैकियोमेट्रिक सर्वे में जब हम लोग देखिए कर रहे होते हैं तो हमें एक ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की अगर दूरी मेजरमेंट करनी है, ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की दूरी अगर मेजरमेंट करनी है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डी इक्वल टू के एस प्लस सी। और ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। ये किसका फॉर्मूला है, ये मिरर का फॉर्मूला है। मिरर में जब हम लोग पढ़ते हैं, दर्पण जब पढ़ रहे होते हैं प्रकाश के परावर्तन में, तो वहां पर हम लोग 1/f = 1/u + 1/v इस फॉर्मूले के से हम लोग क्या निकालते हैं, d = ks + c।
यह कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, इसीलिए यह फॉर्मूला हम लोग का मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, और ये भी इससे इन दोनों से काफी शुद्ध वैल्यू प्राप्त होती है, लेकिन इसका जो है समायोजन करना, उपयोग करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ये प्रचलन में कम है। देखिए ट्रायंगुलेशन क्या है, तो ट्रायंगुलेशन बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पर, कि हम लोग जो सर्वे कर रहे होते हैं, उसको समकोण त्रिभुज में बांट देना होता है। जैसे देखिए हम लोग ए पॉइंट हमारे पास ए है, बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और ये ऐसे सी पॉइंट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर प्राप्त हुआ है, डी पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हुआ है, एफ पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जी पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सर्वे करते थे, देखिए यहाँ पर ए से बी को मिला दिए, बी से जी को मिला दिए, जी से एफ को मिला दिए, और ये ए सी, सी से डी मिल गया और एफ से डी मिल गया, ठीक है। अब इसका हमको एरिया पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समकोण में बांट देंगे। देखिए यहां से ये ऑटोमेटिक, देखिए अगर ये पॉइंट हमको मान लीजिए ये बी डैश हो जाए, सी डैश, डी डैश और ये जी डैश, तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्रायंगल ये बन जाता है, एक ट्रायंगल ये बन जाता है, और एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, सब समकोण त्रिभुज हैं, और ये हमारे आयत बन जाते हैं, रेक्टेंगल बन जाते हैं। तो आसानी से हम लोग इसका एरिया काउंट करके निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। लेकिन ट्रायंगुलेशन में एक कंडीशन होती है कि कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए और 30 से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, ट्रायंगुलेशन का ये मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ट्रायंगुलेशन में एंगल कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में सारे एंगल होने चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराते हैं, जिससे यहाँ पर त्रिभुज का जो बनता है, जो ट्रायंगल बनता है हमारा, उसका आसानी से हम लोग एरिया ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो वेव्स के सिद्धांत पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? वेव के सिद्धांत पर। जैसे अब देखिए हमें यहां पर ए पॉइंट है और दूसरे पॉइंट बी के बीच की हमको दूरी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंस्ट्रूमेंट, और यहां से हम लोग छोड़ेंगे एक रेडिएशन, मतलब वह रेडिएशन इंफ्रारेड भी हो सकता है और अन्य प्रकार के रेडिएशन हो सकते हैं, तो एक प्रकार की किरण ही तो है ये। प्रकाश किरण जाएगी यहाँ पर, जाएगी और बी से टकराकर पुनः ए पर आएगी, तो डिटेक्ट होगा कि जो प्रकाश किरण गई है यहाँ पर, गई और फिर चली आई यहाँ पर, तो जाने में फिर आने में उसे कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, समय लगा होगा, और ये जो प्रकाश गया है इस प्रकाश का वेग कुछ रहा होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और हमें ये गया और जाने और आने का टाइम नोट कर लेंगे, तो यहां पर देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें निकालना डिस्टेंस है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहां पर हम लोग जो टाइम कैलकुलेट करेंगे टी और जो स्पीड होगी ये रख देंगे, तो आराम से डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मेथड से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक, कैलकुलेशन के मेथड से। यहां पर भी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यहां पर भी प्रकाश जाता है, रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो उसी के जरिए ये भी करते हैं। और यहां पर क्या किया जाता है कि चेन के द्वारा और टेप के द्वारा डायरेक्टली मेजर किया जाता है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेशन ए और स्टेशन बी, मतलब पहले स्टेशन और अंतिम स्टेशन के बीच हम लोग चेन के द्वारा या टेप के द्वारा जाते हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट वहां पर जाते हैं और मापते हैं
इसलिए इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। और डायरेक्ट मेथड में कुछ अप्रॉक्सीमेट पॉइंट भी हमारे पास है जो हम लोग सर्वे स्टार्ट करने से पहले, मतलब सर्वे जब किसी जमीन को या कोई भी लैंड है उसे हम लोग जब देखने जाते हैं और वहां पर सर्वे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं सर्वे में वो एक यही सब होते हैं, पैसोमीटर, मतलब पेसिंग करते हैं या पैसोमीटर पेडोमीटर, हम लोग पहले स्टार्टिंग में इन्हीं से सर्वे करते हैं। फिर जब डिटेल सर्वे करना होता है तो चेन या टेप का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और इसी प्रकार से अब अगला लेक्चर आप लोगों का जो होगा एंगुलर मेजरमेंट आएगा। हम लोग लीनियर मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, इसके बाद एंगुलर मेजरमेंट आएगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन सर्वे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।